जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, आज हम लोग आए हुए हैं चीफ मिनिस्टर किचन, जो कि मुरादाबादी में ओपन हुआ है कुछ दिनों पहले। और यहाँ से गरीब लोगों के लिए गली मोहल्ले तक जाता है खाना और लोगों को खाना मिल रहा है। सारी सुविधाएं यहाँ दी गई है और यहाँ काफ़ी साफ़ सफाई भी रखा गया है। इस चीफ मिनिस्टर किचन का उद्घाटन कुछ दिनों पहले ही झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने अपने हाथों से किया था और इसकी सारी व्यवस्था करवाई थी। और आप देख सकते हैं यहाँ की सारी सुविधा मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद मैं यहाँ से दिखाने के बाद आपको यहाँ के जो ओनर हैं उनसे मैं अभी बात करूँगा, तो आइए चलते हैं उनसे बात करने की ओर। आप बताएंगे यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है चीफ मिनिस्टर किचन की तरफ से? हम लोग अभी लंच और डिनर बना रहे हैं। लंच में हम लोग बल्क फूड भी प्रोवाइड कर रहे हैं जो हंडी में कर रहे हैं, और पैक फूड भी कर रहे हैं जो बांटने में अगर असुविधा है तो हम लोग पैक फूड भी कर रहे हैं। लंच टाइम और डिनर में 7 बजे तक हम लोग डिलीवरी कर रहे हैं यहाँ पे। दिन में खिचड़ी बना रहे थे, शाम को पूरी सब्जी का व्यवस्था किया गया था। और आज हम लोग बदलाव लाने के लिए चावल और आलू कद्दू ये सब की सब्जी बनाए ताकि लोगों को थोड़ा बदलाव लगे। रोजाना कितने लोगों का खाना बनता है यहाँ पे? कल हम लोग 4,080 लोगों का खाना टच किया। अच्छा, तो ये सेंटर आपका सिर्फ यहीं पे है या फिर और कहीं पे भी इसका शुरुआत हुआ है? ये मुझे नहीं आइडिया इसका। यहाँ 4,080 बन रहा है, करीब 800 लोगों का खाना रांची क्लब से बन रहा है। इस तरह से कई संस्थाएं बना रहे हैं और गवर्नमेंट उनसे टाई अप किया हुआ है, लिंक किया हुआ है, उस तरह से अपना किचन बनाया हुआ है। और एक हेल्पलाइन नंबर चल रहा है, एक लोग ने सेटअप किया हुआ है हेल्पलाइन नंबर जहाँ वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं और जो हमें ऑर्डर्स वहाँ से आते हैं डिस्पैच के लिए, ऑटो रिक्शाज दिए हुए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, वहाँ हम लोग भेज देते हैं, वॉलंटियर्स रिसीव करते हैं और बांट देते हैं। काफ़ी अच्छा फ्लो बनाया हुआ है, इससे सुविधा हो रही है। कितने लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे? अभी यहाँ पे 22 लोग काम कर रहे हैं, सारे रेजा कुक शेफ लेके हेड शेफ लेके सब। आपका क्या पोजीशन है सर यहाँ? मैं इस रेस्टोरेंट का ओनर हूँ और राउंड टेबल का पार्ट हूँ। राउंड टेबल ने इसका शुरुआत किया था, हम 1,000 आदमी को खाना बनाने का संकल्प लेके चालू किए थे और बाद में इसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने चीफ मिनिस्टर किचन की तरह सपोर्ट किया। राउंड टेबल इंडिया क्या है सर? सर, राउंड टेबल इंडिया एक NGO है जो मुख्य तौर पर स्कूल बनाती है। हम लोग का एक्सपोजर अभी तक 4,076 करोड़ का स्कूल हम लोग बना चुके हैं ऑल ओवर इंडिया। ये एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इंडिया में हम लोग पर डे 1.5 क्लासरूम बना रहे हैं आज के दिन अगर एवरेज निकाले तो। PNG, कॉग्निजेंट, कोक, इस तरह से हमारे पार्टनर्स हैं CSR, और हम लोग 0 हेड ऑर्गेनाइजेशन है और किसी से कोई कट नहीं, खर्चा नहीं। जितना आप CSR में देते हैं उतना ही हम लोग जोड़ते हैं और स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अनिरुद्ध गुड़िया। थैंक यू।